हरियाणा मनोहर मैं होने जा रहा है। मनोहर लाल आज सीएम पद की शपथ लेंगे और अपने काम के बदौलत मनोहर हरियाणा के चौथे लाल बनकर उभरे हैं। तो मनोहर लाल पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के सूत्रधार, राजनीतिक प्रबंधन में माहिर, संगठन के मजबूत स्तंभ और शालीन स्वभाव के धनी मनोहर लाल ने ये तो साबित कर दिया है कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए मनोहर लाल ने जब राजनीति में कदम रखा तो उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हरियाणा के 2014 विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए मनोहर लाल के नाम की घोषणा हुई। कई लोगों के लिए ये चौंकाने वाला नाम था। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इशारा दे दिया था कि पिछले 18 सालों से जाट नेताओं का प्रतिनिधित्व देख रहे राज्य में किसी गैर जाट नेता को मुकाबले में खड़ा करके अलग ही राजनीति खड़ी की जा सकती है। प्रचारक और फिर नेता के रूप में संगठन की मजबूती और प्रबंधन में मनोहर लाल माहिर रहे हैं। संघ की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही मनोहर लाल को सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने का मौका मिला। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मनोहर लाल के रूप में बीजेपी ने 5 साल में पहला गैर जाट चेहरा हरियाणा की राजनीति में स्थापित किया। मनोहर लाल हरियाणा में बीजेपी के भरोसे पर खरा उतरने में कामयाब हुए हैं। पहली बार विधायक बने और पहली बार ही राज्य के मुख्यमंत्री भी बन गए। उनके मुख्यमंत्री बनने पर शुरुआत में सवाल उठने लगे कि आरएसएस के एक कार्यकर्ता जिन्हें कोई प्रशासनिक और राजनीतिक तजुर्बा नहीं है, क्या वो इस कुर्सी के साथ न्याय कर पाएंगे। लेकिन मनोहर लाल ने प्रशासन पर पकड़ साबित कर ये जाहिर कर दिया कि वो राजनीति के साथ साथ वो राजकाज में भी माहिर हैं। विधानसभा चुनाव 2019 में भी मनोहर के नाम को बीजेपी ने भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा में धुआंधार रैलियां की। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकारों ने इस क्षेत्र में सिर्फ एक ही काम किया, पहले यहां के किसानों के वोट लिए और फिर इनको खेतों को औने पौने दाम पर अपनों के नाम कर दिया। मनोहर लाल जी की अगुवाई में भाजपा सरकार ने जमीन की इस बदलर बांड को भी बंद कर दिया और जो इसमें शामिल नजर आते थे उन पर भी शिकंजा कस दिया गया है। आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को कहने 2014 में आपने श्री नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट दिया था, उसके बाद में मनोहर लाल खट्टर सरकार को जो मैंडेट दिया, मैं कह सकता हूं कि आपके मैंडेट के अनुरूप ये दोनों सरकारों ने भ्रष्टाचार विहीन शासन देने का काम देश और राज्य में किया है। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार और हरियाणा का तो हिसाब ही नहीं। स्कैम पर स्कैम वाली दोनों कांग्रेस कमल की सरकारें आई, आज 4 साल होने को आए हैं, मगर हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। मैं नहीं, पूरा भारत यह कह रहा है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, एकदम ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य को मिला है जिसने अपनी जिंदगी ही हरियाणा जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और पूरे फकीरी भाव से फकीर को देखा होगा, फकीर की जिंदगी को आपने देखा होगा, परखा होगा। बहनों भाइयों, फकीर अपने लिए कुछ नहीं करता है, करता है तो देश के लिए करता है, तो आप परमात्मा के लिए ही अपनी सारी जिंदगी खपा देता है। उसी फकीरी भाव से आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने इस हरियाणा की सरकार को चलाया। नीति में हमेशा सक्रिय रहने वाले मनोहर लाल के बारे में कहा यह जाता है कि वो अपने घर परिवार से ज्यादा संपर्क नहीं रखते।
सिर्फ 17 साल की उम्र में गांव छोड़ने वाले मनोहर लाल ने पहले दिल्ली में भाई के साथ दुकान पर काम किया और फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के होकर रह गए। सरल स्वभाव वाले मनोहर लाल विवादों से दूर रहने वाले नेता हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजदीकी माना जाता है। 1977 में मनोहर ने आरएसएस को ज्वाइन करने का फैसला किया और वो संघ के फुल टाइम प्रचारक बन गए। उन्होंने आरएसएस में काम करने को तरजीह दी और शादी भी नहीं की। प्रचारक के तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम भी किया। दोनों ने एक साथ कमरा भी साझा किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल के बीच आपसी समझदारी और नजदीकियां बढ़ गईं। 1994 में मनोहर लाल बीजेपी के सदस्य बने। वहीं साल 2000 में उन्हें हरियाणा का महासचिव बनाया गया। इसके बाद वो 2014 में लोकसभा चुनाव में हरियाणा इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे। यही नहीं, 2014 के विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल को करनाल से विधानसभा का टिकट दिया गया। चूंकि वो रोहतक के रहने वाले थे, इसलिए करनाल से टिकट मिलने पर उन्हें थोड़ा विरोध का सामना भी करना पड़ा। विरोध के बावजूद मनोहर लाल बड़े अंतर से चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब हो गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 90 में से 47 सीटों पर जीत हासिल हुई। मनोहर लाल को सहमति के साथ सीएम चुना गया और वो हरियाणा में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। वो बीजेपी के सरप्राइज पैकेज इसलिए थे क्योंकि 2014 में उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा और पहली ही जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री पद की होड़ में मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री कृष्ण लाल गुर्जर, रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु जैसे कई दिग्गजों को पछाड़ दिया। संघ और राजनीति में एक लंबा सफर तय कर 1954 में रोहतक जिले के बनियानी गांव में हुआ था। पंजाबी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मनोहर का परिवार आजादी के बाद पाकिस्तान से आकर हरियाणा में बसा। मनोहर लाल ने 12वीं तक पढ़ाई रोहतक से ही की। इसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए वो दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने ग्रेजुएशन करने के दौरान सदर बाजार में एक कपड़े की दुकान भी चलाई। यानी जिंदगी के हर मोड़ पर वो संघर्ष के साथ आगे बढ़े और राजनीति में भी उन्होंने हर बड़ी चुनौती का सामना डटकर किया। जमीन से जुड़े मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास के लिए कई काम किए। सरकार से सीधे जनता का जुड़ाव हो, इसके लिए मनोहर ने सीएम विंडो जैसे कार्यक्रमों को भी चलाया। सीएम विंडो कार्यक्रम में लोग अपनी शिकायतें लेकर उन तक पहुंचने लगे, जिससे लोगों के बीच विश्वास बढ़ा। ऐसा होना हरियाणा में नया था। ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल बोलने में स्टाइलिश हैं, लेकिन उनका सादा और सरल तरीका ही लोगों को भाने लगा। हरियाणा की जनता से जुड़ाव और लगाव ने बीजेपी के मनोहर को जन जन का लाल बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।